Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. कौन है सलमान खान इस फिल्म में? क्या किरदार निभा रहे हैं सलमान खान फिल्म भारत में? Well friends, सलमान खान की जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है कल से. Yes friends, Tuesday वो दिन था जहां पर सलमान खान को देखा गया, you know, bike stunts की preparation करते हुए in Mumbai. And guys, जो किरदार वो इस फिल्म में निभाने वाले हैं वो है एक daredevil bike rider का. Yes friends, जो circus में perform करते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सलमान खान पूरी फिल्म में एक बाइक राइडर या फिर एक डेयरडेविल आर्टिस्ट का रोल करेंगे. इस पूरी फिल्म में आपको एक जर्नी देखने मिलेगी भारत की, वो किस तरह से किस किस मुश्किलात से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है. उसमें से एक फेज रहेगा ये सर्कस का फेज, जहां पर वो बाइक पे डेयरडेविल स्टंट करते परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे. मैंने आपको आज से 3 दिन पहले ही बोल दिया था कि शायद इस फिल्म में मौत के कुएं का सीन होगा. वेल फ्रेंड्स, अभी उस पर कोई पुष्टि तो हो पाई नहीं है, लेकिन इस फिल्म में इतना कंफर्म है जो डर्ट बाइक है और जो विंटेज बाइक सेट पे आ चुकी है उस पे सलमान खान पूरे सर्कस में डेयर डेविल स्टंट्स करते हुए दिखाई देंगे. मशहूर, यू नो, 1950s 1960s में जो सर्कस कल्चर था, जब इतना सिनेमा यू नो अपने चरम पे नहीं था, लोग सर्कस देखा करते थे, प्ले देखा करते थे, उसमें जो बाइक स्टंट वाला रहता था उसका करतब देखने के लिए लोग काफी इंतजार करते थे. छोटे बच्चे स्पेशली, यू नो, उसके बाद नौजवान लड़के जिनको बाइक चलाने का शौक था वो एक करतब देखने के लिए स्पेशली सर्कस में जाते थे. और गाइस, इसी के लिए यू नो अली अब्बा जफर ने स्पेशल यू नो आर्टिस्ट लोगों को जो मिक्स ऑफ ट्रपीज हुप्स एंड रोप स्टंट्स करते हैं उनको स्पेशली बाहर से बुलाया गया है. ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि वो लोग बल्गेरिया से आने वाले हैं. लेकिन गाइस, जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो शूटिंग चलने वाली है इसके बाद का जो अगला स्केड्यूल है वो आबू धाबी का नहीं होगा. यस फ्रेंड्स, जो अगला स्केड्यूल होगा वो माल्टा का होगा. हमने देखा था किस तरह से लोग रेकी करने के लिए गए थे माल्टा. आबू धाबी की रेकी हमको दिखाई भी नहीं गई, क्योंकि गाइस आबू धाबी की रेकी करने की जरूरत ही नहीं है. वहां पे जो कंपनी है जिसने रेस 3 टाइगर जिंदा है, वहां पे जितनी भी कंपनियों का जो मैनेजमेंट करती है मरियम मैडम, मैंने आपको दिखाया था रेस 3 की शूटिंग के टाइम पे, उनको बस बोलने की देरी है, वहां पे सेट्स रेडी हो जाते हैं, काम शुरू हो जाता है, वहां कोई टेंशन नहीं है. लेकिन माल्टा इज एन अननोन टेरिटरी और इसीलिए जो पहला स्केड्यूल होगा आउटडोर का वो माल्टा से शुरू होगा. सो गाइस, माल्टा से शुरू होगा. सलमान खान विल प्ले अ डेयरडेविल स्टंट मोटरसाइकिलिस्ट इन द सर्कस और दिशा पाटनी ट्रपीज आर्टिस्ट से किसी से छुपा नहीं. गाइस, जो सेट लगेगा वो 1960s में रशियन सर्कस जिस तरह से राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में लगा था उस तरह से लगेगा गाइस, ये बात भी हम सबको पता है. लेकिन जो सबसे एक्साइटमेंट की बात ये है कि सलमान खान ने कल से यानी कि मुंबई में बाइक स्टंट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है. जैसे यूनिट का शेड्यूल खत्म होगा दे विल ऑल फ्लाई टू माल्टा. गाइस, हिस्ट्री इज इन द मेकिंग. ये फिल्म एक अलग लेवल पे जाने वाली है और ये इसकी फिल्म बोलेगी, यू नो, सिनेमा में हम लोग बोलने की जरूरत नहीं. सो गाइस, एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू वेरी सून. बस अब 22 तारीख का इंतजार है जब भारत की शूटिंग शुरू होगी. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.